सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। एक बार अपने सभी ग्रुपों में इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा और जो विद्यार्थी पहली बार चैनल पर आया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रात्रि 8:30 बजे की क्लास पर भी बने रहिएगा। आज मैं पशुधन में केवल गायों की नस्लों पर देसी और विदेशी उसके ऊपर क्वेश्चन लेकर के आया हूं। एक प्रश्न आता है, फिक्स होता है, हरियाणवी, राठी, थार, पारकर, कांकरेज या गिर, चार नस्ल देगा, दिशा पूछेगा। तो कौन कौन सी नस्लें देसी विदेशी इसके ऊपर अपने याद करेंगे। मात्र 10-12 मिनट की क्लास में सारा कुछ याद होगा, ये कंप्लीट रूप से कोशिश करते हैं याद करने की। गायों की देसी नस्लें, गायों की अगर पूछे देसी नस्लें कौन कौन सी है, हरियाणवी, हरियाणवी, राठी, थार पारकर, कांकरेज, सांचोरी, मालवी, मेवाती, रथनागोरी, गिर, ये हैं 10-1 नस्लें। हरियाणवी, राठी, थार पारकर, कांकरेज, सांचोरी, मालवी, मेवाती, रथनागोरी, गिर, हरियाणवी, राठी, थार पारकर, कांकरेज, सांचोरी, मालवी, मेवाती, नागोरी, रथ, गिर, रथनागोरी, गिर, 2-4-5 बार पढ़ेंगे याद होगा। प्रश्न क्या आएगा कि सीधा नक्शा देगा और आपसे पूछेगा कौन सी नस्ल कौन सी दिशा में है। बहुत आसान है, मैं कहता हूं इससे आसान तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। कैसे, राठी इधर वाले क्षेत्र में पाली जाती है, इधर वाले क्षेत्र में पाली जाती है, तो इसका मतलब हो गया कि ये जो क्षेत्र है पूरा का पूरा यहां पर राठी नस्ल की गाय है। तो यहां लिख देता हूं मैं राठी, कौन सी नस्ल है, राठी। थार का मरुस्थल पश्चिम में है ना, थार का मरुस्थल, थार पारकर, तो यहां लिख दिया मैंने थार पारकर, थार पारकर, राठी, थार पारकर। इधर दो है ये याद रखिएगा, इधर दो है, एक तो है कांकरेज, एक तो है कांकरेज और एक है सांचोरी, एक है कांकरेज और एक है सांचोरी, दो नस्लें हैं यहां, राठी, थार पारकर, कांकरेज और सांचोरी। इधर मालवा का पठार है ना, बोलते हैं ना कि मालवा का पठार झालवा के पठार में, हाड़ोती का जो पठार है वो मालवा के पठार का भाग है, तो इधर है मालवी, कौन सी नस्ल है, मालवी, मालवी। मेवात तो इधर है ना, मेवात, रथ, मेवात इधर है, तो इधर आ गई मेवाती, और मेवाती के साथ साथ इधर ही अपने लिख देते हैं रथ, मेवाती और रथ। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले राठी, थार पारकर, कांकरेज, सांचोरी, मालवी, मेवाती, रथ, इधर हरियाणवी है, इधर नस्ल है उत्तर पूर्व में वो हरियाणवी है, इधर हरियाणवी है, बीच में ये वाली मध्य में ये नागौरी है, मध्य में नागौरी है, मध्य में नागौरी है, तो इधर वाली कौन सी है, ये वाली गिर है, ये वाली गिर है, गिर यहां पर गिर है, ये नस्लें हैं। अगर ऊपर बिल्कुल ऊपर से शुरू करें, गंगानगर, हनुमानगढ़ है ना पड़ोसी से, तो ऐसे बोल दो कि उत्तर पूर्व की तरफ देखोगे तो हरियाणवी, फिर है हरियाणवी के जस्ट बाद में राठी, हरियाणवी, राठी, थार पार कर, कांकरेज, सांचोरी, मालवी, रथ, मेवाती, नागौरी और गिर, और आ जाएगी गिर, ये याद रखिएगा। अब प्रश्न पूछे तो आपसे ये पूछेगा वो कि कौन सी दिशा में, तो हमने ये तो याद कर लिया कि इस तरफ है, सही मायने में दिशा राठी अगर कोई पूछ रहा है तो आप कह दो उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिमी राजस्थान में राठी है, तो पश्चिम दिशा में थार का मरुस्थल राजस्थान की पश्चिम दिशा में है, यह दक्षिण पश्चिम है, यह दिशा है दक्षिण पश्चिम दिशा, यह याद रखो। तो यह कौन सी है, यह दक्षिण पूर्व दिशा है, यह दक्षिण पूर्व दिशा है, दक्षिण पूर्व दिशा, यह दक्षिण पूर्व दिशा है, तो यह वाली पूर्व दिशा है, पूर्व दिशा है, ये वाली पूर्व दिशा है, ये वाली उत्तर पूर्व है, ये वाली उत्तर पूर्व है, उत्तर पूर्व है, ये मध्य में मान लो आप, और ये मध्यवर्ती, देखो इधर तो उत्तर को दक्षिण पूर्व से पश्चिम, तो इधर दक्षिण पूर्व है लेकिन मध्यवर्ती दक्षिण पूर्व है,
आप ये कह दो मध्य दक्षिण पूर्वी, सीधा दक्षिण पूर्वी नहीं लिखोगे आप इसको, मध्य में दक्षिण पूर्वी है गिर। और मैं कहता हूं इससे आसान कोई काम हो ही नहीं सकता। अब देखो हरियाणवी, हरियाणवी ऊपर है ना, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम राठी, पश्चिम में थार पारकर, दक्षिण पश्चिम कांकरे सांचोरी, दक्षिण पूर्व मालवी, पूर्वी मेवाती, पूर्वी रथ, उत्तर पूर्वी हरियाणवी, मध्य में आया नागौरी, मध्य में दक्षिण पूर्वी आए तो गिर, मध्य में दक्षिण पूर्व आए तो गिर। इसीलिए मैंने लिखा है हरियाणवी राठी थार पारकर कांकरे सांचोरी मालवी मेवाती रथ नागौरी गिर। अब मैं जैसे कहूंगा हरियाणवी तो हरियाणा का सीमावर्ती क्षेत्र आ गया, राठी उत्तर पश्चिम आ गया, थार पश्चिम आ गया, कांकरे दक्षिण पश्चिम आ गया, सांचोरी भी वही है, सांचोर जालोर आप बताए, दक्षिण पूर्व में मालवा है, पूर्व में मेवाती और रथ आ गया, उत्तर पूर्व में हरियाणवी आ गया, मध्य में नागौरी आ गया, मध्यवर्ती दक्षिण पूर्व में गिर आ गया। या तो सीधा देगा कौन सी नस्ल है कौन सी नहीं है, आ गया क्वेश्चन, जिले दे तो अपने को एक अंदाजा है, दिशा दे तो अपने को अंदाजा है, नक्शा दे दे और सीधे पॉइंट लगा दे तो भी आप करके आओगे इस क्वेश्चन को। या वो क्या पूछेगा, या वो इससे भी आगे गया तो वो ये कहेगा कि आप ये बताओ राठी की विशेषता क्या है, तो ये कह दो कि राठी देती है सर्वाधिक दूध, कि सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल की गाय कौन सी है, राठी। राठी को राजस्थान की कामधेनु कहते हैं, राठी को राजस्थान की कामधेनु कहते हैं, राठी को राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। और अगर प्रश्न पूछा तो वो ये कहेगा कि इसकी विशेषता बताओ, तो याद रखना इसकी विशेषता दो का मिश्रण है, आर से राठी, आर से रेड, रेड यानी लाल सिंधी और साहिवाल का मिश्रित है ये, ये लाल सिंधी, लाल सिंधी व साहिवाल का मिश्रित रूप है, लाल सिंधी और साहिवाल का मिश्रित रूप मानी जाती है राठी। थार पार कर, थार को जो पार करके आई वो थार पार कर है, इसका उत्पत्ति स्थल, इसका उत्पत्ति स्थल है मालानी गांव बाड़मेर, उत्पत्ति स्थल है मालानी गांव बाड़मेर, मालानी गांव बाड़मेर उत्पत्ति स्थल मालानी गांव बाड़मेर है, ये भी याद रखिए। और इसे थारी और मालानी भी कहते हैं, इसे थारी और मालानी भी कहते हैं, थारी और मालानी कहते हैं। कांकरेज द्वीप प्रयोजनीय नस्ल है, ये याद रखिए, कांकरेज जो है वो द्वीप प्रयोजनीय नस्ल है, द्वीप प्रयोजनीय नस्ल कौन सी, कांकरेज, कांकरेज द्वीप प्रयोजनीय नस्ल है। मालवी के दो रूप है, एक छोटी और एक बड़ी, एक छोटी मालवी एक बड़ी मालवी, मालवी के दो रूप एक छोटी और एक बड़ी। मेवाती को कोठी भी कहते हैं, क्योंकि धौलपुर का प्राचीन नाम था कोठी, तो मेवाती को कोठी भी कहते हैं। गिर, गिर को अजमेरा व रेड्डा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि गिर अजमेर में भी है ना, तो इसे अजमेरा व रेड्डा, अजमेरा व रेड्डा के नाम से भी जाना जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। हरियाणा राजस्थान से ऊपर की ओर है, हरियाणवी की यह विशेषता है कि इसके मस्तिष्क की हड्डी, माथे की हड्डी ऊपर की ओर उठी हुई होती है, माथे की हड्डी जो है वो ऊपर की ओर उठी हुई होती है, ये इसकी विशेषता है हरियाणवी की। सबसे ज्यादा दूध बताओ तो आप कहोगे राठी, राठी को राजस्थान की कामधेनु कहते हैं, आर से राठी, आर से रेड यानी लाल सिंधी और साहिवाल का ये मिश्रित रूप मानी जाती है, चलो याद हो गया। द्वीप प्रयोजन नस्ल बताओ कांकरेज, पूर्वी राजस्थान में मेवाती और रथ, पूर्वी राजस्थान में जिला धौलपुर, धौलपुर का प्राचीन नाम है कोठी, तो कौन सी नस्ल है जिसको कोठी कहते हैं, मेवाती को, मेवाती को भी क्या कहते हैं, कोठी। तो लाल सिंधी साहिवाल का मिश्रण कौन सी है, वो तो राठी है। नागौरी नस्ल के बेल मजबूत कदकाठी के होते हैं जो हल जोतने और बोझा ढोने के काम आते हैं, ये याद रख लो। तो याद ही तो करना है, थार पारकर का उत्पत्ति स्थल है अपने कह दें कि मालानी गांव बाड़मेर, इसे थारी और मालानी के नाम से जाना जाता है। भारत में सबसे ज्यादा गायों वाला राज्य कौन सा है, पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल है सबसे ज्यादा, पश्चिम बंगाल है। राजस्थान का स्थान कौन सा है, छठा है। राजस्थान में सबसे ज्यादा गायों वाला जिला बताओ कौन सा है, तो बीकानेर है। और कम पूछे तो धौलपुर है, कम पूछ ले तो धौलपुर है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा। चार विदेशी नस्ल है,
चार विदेशी नस्ल याद रखिएगा कि गायों की चार विदेशी नस्लें कौन सी है, तो आपको याद है एक है जर्सी, एक है होलिस्टन रेड एंड स्विस ब्राउन, जर्सी होलिस्टन रेड एंड स्विस ब्राउन, जर्सी होलिस्टन रेड एंड, देखो स्विस ब्राउन स्विट्जरलैंड, स्विस ब्राउन स्विट्जरलैंड, स्विस ब्राउन स्विट्जरलैंड, थोड़ा सा अंदाजा तो काम चल जाएगा, स्विट्जरलैंड ये याद रखिए, स्विस ब्राउन स्विट्जर रेड डेन डेन मार्क, रेड डेन डेन मार्क, रेड डेन डेन मार्क याद हो गया। होलिस्टिन होलैंड, होलिस्टिन होलैंड, होलिस्टिन होलैंड ये याद हो गया। लेकिन कोई भी विदेशी नस्ल की गाय खड़ी हो हमारे लिए तो वो अमेरिकन ही होती है, चाहे वो लिस्टिन हो, रेड डेन हो, स्विस ब्राउन हो, चाहे कोई भी हो, हम क्या कहेंगे कि ये तो अमेरिकन गाय है। जबकि ये याद रख लो इतना काज की बात कि जिसको हम जानते हैं वो अमेरिका वाली जर्सी है, तो कभी गलत होगा ही नहीं कि हम जिसको जानते हैं जर्सी वो अमेरिका की है, जर्सी अमेरिका की है, ये याद रखो। जर्सी होलिस्टिन रेड एन स्विस ब्राउन, रेड एन डेनमार्क, होलिस्टिन होलैंड, स्विस ब्राउन स्विट्जरलैंड, जर्सी को हम जानते हैं वो अमेरिका की है। मध्य व पूर्व राजस्थान में पाली जाती है ये दोनों, ये मध्य व पूर्वी राजस्थान में पाली जाती है दोनों की दोनों, ये एक तरफ से नगण्य है, ज्यादा नहीं है इसका, लेकिन ये याद रखने वाली है। और ये एक ऐसे क्वेश्चन है आज का, ये जो टॉपिक है ये एक ऐसा टॉपिक है आपको आने वाले पेपरों में क्वेश्चन मिलेंगे। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, अब मैं कहता हूं कि ये बताओ नक्शे के माध्यम से, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप पूरा का पूरा। तो अब ये देखिए कि अगर आपसे कोई पूछे कि भाई आप ये बताओ गायों की नस्लें देसी कितनी, आप कह देना 10 है। नक्शे के माध्यम से बताओ तो आप ये कह देना नक्शे के माध्यम से कि सबसे पहले ऊपरी ऊपर हरियाणवी है, फिर राठी है, फिर राठी है, थार पारकर है, कांकरेज, जहां कांकरेज वहां सांचोरी है, मालवी है, मेवाती है, वहां रथ है, नागौरी है और गिर है। अब वो कह दे किस नस्ल के बैल मजबूत कद का ठीक होते हैं, नागौरी बैल ज्यादा दूध देती है, राठी जिसको राजस्थान की कामधेनु कहते हैं, जो दो का मिश्रण है लाल सिंधी और साहीवाल, कौन सी द्विप्रयोजनीय नस्ल है, कांकरेज दक्षिण पश्चिम वाली। तो आपसे पूछे कि ये बताओ अजमेरा के नाम से किसे जाना जाता है, गिर, गिर को अजमेरा और रेडा के नाम से जाना जाता है। मालवी के दो रूप बताओ, छोटी मालवी बड़ी मालवी, कोटा संभाग में पाली जाती है। तो विदेशी नस्लें बताओ तो आप ये कह देना विदेशी में क्या है, जर्सी होलिस्टिन रेड एंड स्विस ब्राउन, स्विस ब्राउन स्विट्जरलैंड की, रेड एंड डेनमार्क की, होलिस्टिन होलैंड की है, होलिस्टिन होलैंड की है, हम जानते हैं वो जर्सी अमेरिका की है, स्विस ब्राउन स्विट्जरलैंड की है, रेड एंड डेनमार्क की है। सबसे ज्यादा गायों वाला राज्य पश्चिम बंगाल है, राजस्थान का स्थान सात छठा है, और अगर पूछे ज्यादा तो बीकानेर में, कम पूछे तो धौलपुर में। और अगर कोई पूछ ले कि राजस्थान में भारत की कितने प्रतिशत गायें पाली जाती है, 7.23% गायें पाली जाती है। गौवत्स परिपालन के अंदर कहां है, नोहर हनुमानगढ़ में है। तो आज का ये टॉपिक आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो अच्छे अच्छे कमेंट जरूर करना, जो विद्यार्थी लाइव देख रहा है वो लाइक जरूर करना, आप अच्छे कमेंट करते रहिए, मैं अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। जय हिंद जय भारत, नमस्कार।